छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को नागपुर में मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा वक्तव्य किया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां वहां सरकार अस्थिर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए, बहुत डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल ने अनुमति दी जांच करने का, नहीं केस चलाने का, पहले तो जांच करने का आदेश देते, लेकिन उन्होंने तो केस चलाने की अनुमति दे दी। इसी समझ आता है कि जहां जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं उसे अस्थिर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे लोग। आपने तो लोकसभा रिजल्ट दे दिया, इतना बढ़िया रिजल्ट दे दिया है, पूरा देश देखता रहा। दो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, और दोनों राज्यों ने जो जनादेश दिया है उस सबके आंखें खोलने वाली है। और अभी कल खड़गे साहब, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी ने सभा की राजीव जी की जयंती पर, वो भी आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आने एक बात ये है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 15 अगस्त को कि वन नेशन वन इलेक्शन, और जहां चार राज्यों के चुनाव होने हैं 16 अगस्त को निर्वाचन आयोग घोषित करते हैं, जहां हरियाणा के, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे, हरियाणा के तो घोषित हो गए, महाराष्ट्र के चुनाव घोषित नहीं हो रहे हैं। तो ये कहते हैं वो नहीं करते,